हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन लाइफ जर्मन वे में। आज जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं नेचर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू डू सम ट्रैकिंग, सम साइकिलिंग। पीछे आप देख सकते हो मैं साइकिल लेके आया हूँ अभी, एंड मौसम बहुत अच्छा है। कभी धूप है, कभी हल्के बादल हैं। सो मैं अपने घर से थोड़ी 20 किलोमीटर दूर निकला हूँ आज। सो उपरटाल में नहीं है हम लोग। आई हैव डिसाइडेड टू कम टू अ प्लेस कॉल्ड एकराथ, जो कि डुसेलडॉर्फ और उपरटाल के बीच में लाई करता है। सो अभी हम लोग अपनी यहाँ से ट्रैकिंग साइकिलिंग शुरू करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। नेचर को एक्सप्लोर करेंगे आज, एंड देखते हैं कैसा राइड रहेगा। सो आपका स्वागत है, एंड या लेट्स एक्सप्लोर दिस ट्रैकिंग एरिया, दिस रीजन एकराथ। सो गाइस, जस्ट मेरे पीछे बहुत ही फेमस म्यूजियम है, नी एंड द टाल म्यूजियम, जो एकराथ का बहुत फेमस म्यूजियम है। गाइज, मैंने अभी अपनी साइकिलिंग से थोड़ा पॉज लिया आप को दिखाने के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ पे नदी के सेंटर में आ गया हूँ, बिल्कुल नदी तो नहीं, झरना। लास्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आया था तो इट वाज लाइक 3 मंथ्स अगो, और उस टाइम पे पानी का लेवल जो काफ़ी अच्छा था, जो भी यहाँ पे देख रहे हो पीछे पानी नहीं है। सो लास्ट टाइम इट वॉज ऑल कम्प्लीटली फुल विद वाटर। आई डोंट नो कि इसका लेवल कैसे कम हो गया, क्योंकि अभी पीछे फ्लड्स भी आए थे, और फ्लड्स की वजह से पीछे एक बहुत ही अच्छा ब्रिज था जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता था, वो ब्रिज पूरा टूट गया है। शायद पेड़ वगैरह वहाँ पे 2-3 गिर गए उसके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको आज कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखो आप पानी की आवाज़ सुनो कितना रिलैक्सिंग है।
इतना अच्छा लगता है नेचर के अंदर आके। सो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी साइकिल की जर्नी। सो एक और पॉज छोटा सा आप लोग को पीछे का व्यू दिखाने के लिए। सो इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे और अभी अपन विल ट्राई टू एक्सप्लोर यहाँ के जो जर्मन फील्ड्स हैं जो खेत्स हैं वी विल आल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर दोस। सो या सो गाइस मेरे पीछे होस फार्म है जो कि यहाँ पे जो बीच है एंड देर इज वन मोर ऑन द अदर साइड जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है दूसरा होस फार्म जो मैं बता रहा था मेरे ठीक मेरे पीछे। लेट्स गो इनसाइड द फील्ड्स नाउ। गाइस कैसा लग रहा आपको व्यू? साइकिलिंग इन द मिडल ऑफ जंगल। राइट साइड पे आप देखो कितने सारे हॉर्सेस हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सीन बन रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा आपको व्यू? ओह सामने कोई हॉर्स राइडिंग भी कर रहा है अमेजिंग। हे गाइस सो आई हैव टेकन अ पॉज अगेन आप लोग को दिखाने के लिए कि बेरीज आप देख सकते हो कितनी नेचुरल यहाँ पे बेरीज का प्लांटेशन है खुद से ग्रो करती है कितनी सारी यहाँ पे बेरीज हैं उधर पे कुछ लोग बेरीज इकट्ठी भी कर रहे हैं तोड़ रहे हैं। सो ये देखिए आई कैन इसको खा सकता हूँ अभी कभी बिना धोए। सो जस्ट वॉन्टेड टू शो यू अभी मैं फील्ड्स में आ गया हूँ और जस्ट टू शो यू कैसा व्यू है यहाँ पे पीछे पूरे फील्ड्स हैं। देखिए आप इज इट ब्रेथ टेकिंग और नॉट। सो चलिए चलते हैं अपनी राइड पे। सो फाइनली आई हैव अराइव्ड इन द सेंटर ऑफ दी सो कॉल्ड जंगल तो नहीं है एक्चुअल में लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व है जो मैं पहले म्यूजियम बता रहा था आपको उसी के बारे में। सो या साइकिल अभी बहुत तेज हो गई है ढलान है आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई बाइसिकल। सो या
फिर से फील्स आने वाली हैं। सो गाइस फाइनली इन द मिडल ऑफ द जंगल, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कब से कि मैं अभी जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को पीछे हाइट ऐसे पूरा ढलान है यहाँ पे। और लास्ट टाइम यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं थी, अभी बहुत बढ़ गई है ड्यू टू रेन्स। और डर भी लग रहा है मेरे को एक्चुअली, यहाँ पे कोई है नहीं अभी। सो देखो आप पीछे देखो मेरे, है ना अमेजिंग। सो गाइस फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय राइड। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय।